संयुक्त मोर्चा के अधिकारी और कर्मचारी रहे एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दतिया में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रांतीय आह्वान पर 29 जुलाई को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश हड़ताल की गई, जिसमें अधिकांश कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। पूरे जिले में सामूहिक अवकाश हड़ताल को भरपूर समर्थन मिला। पूरे जिले में 1800 से 2000 का अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिला पंचायत DEO ऑफिस, BEO ऑफिस, जल संसाधन विभाग, तहसील कार्यालय, BRC कार्यालय, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD, पशु चिकित्सक विभाग, महिला बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, RTO कार्यालय, खनिज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तहसील कार्यालय, SDM आदि सहित कई कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। गुरुवार को 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में मोर्चे की मुख्य मांगों में अधिकारी कर्मचारियों का बकाया 16% DA पदोन्नति पदनाम, 2005 के बाद के अधिकारियों को पुरानी पेंशन देने, 2016 से पहले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने, सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने संबंधी मांगों को पूरा करने की मांग की। ज्ञापन अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशोक शुक्ला के नेतृत्व में सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में प्राचार संघ के डॉक्टर अनीता शर्मा, प्राचार उन्मेष श्रीवास्तव C2, अध्यक्ष सनत पुरोहित, कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील शर्मा एवं अशोक राजपूत, एस भदौरिया, BK दुबे, मोर्चा के सह संयोजक कुंज बिहारी गोस्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारी एकता जिंदाबाद।